आज पूरे पूरी टीम जो है वो जेकेयूटी 7 की तरफ से गई है, हम इसी से नाम जान सकते हैं। सबसे पहले सर जेकेयूटी 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत, अपना नाम बताइए। सर मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, मैं लोहाई से हूँ, आप डिप्यूटेड मेंबर वार्ड नंबर 4। तो बोलिए क्या क्या समस्या है। कहते हैं कि आपके जो वार्ड हैं, आपका जो इलाका है, आपकी जो पंचायत है, बहुत सारी मुश्किलें हैं, बताइए तफसील क्या क्या प्रॉब्लम है आपको। सर हमारी पंचायत में बहुत प्रॉब्लम है जी अभी से, बारिश हुई बड़ा नुकसान हुआ, सड़कें खत्म हो गई, फसलें खत्म हो गई, जी किसी ने भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। जी जो बड़े बड़े मेंबर हैं पंचायत के, सरपंच हैं, जी उनकी चलती है, वो जाते हैं, उनका हर कुछ होता है, लेकिन गरीब उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। जी बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ रहा है। जी तो बाकी तो सर यहाँ पे हमारे CDPO ऑफिस है, जी कई सालों को बंद पड़ा हुआ है, जी मैंने वहाँ पे देखा ही नहीं आज तक कोई, जी ना कोई चपरासी होता है, ना CDPO ऑफिसर होते हैं, कोई कोई भी नहीं होता वहाँ पे, ताला ही लगा देखा मैंने हमेशा ही। जी बहुत बार हमने गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाई, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई बैठने वाला, बैठ के राजी नहीं है मुलाजम। जी क्या मैं यहाँ पे आपको रोकता हूँ, क्या वो जो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो CDPO दफ्तर है वो किस जगह पे है, कौन सी जगह है वो? सर वो यहीं पे है, गांव में ही है, एक मकान में रखा हुआ है ऑफिस, उसका कोई आता पता नहीं है, वहाँ के ऑफिसरों का कोई आता पता नहीं है, वहाँ पे तो ताला ही लगा होता, मैंने कभी वहाँ पे कोई देखा नहीं। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो मल्हार लोहाई CDPO दफ्तर से क्या वो तनख्वाह नहीं वहाँ की लेते हैं, क्या वो वहाँ का CEO नहीं लेते हैं? सर वहाँ की तनख्वाह लेते हैं, CEO सब कुछ उनको मिल जाता है, मुझे समझ नहीं आती है कि कौन गवर्नमेंट उनको देती है और कहाँ से निकालते हैं वो, क्या कहाँ किस जगह बैठने के उनको पैसे मिल रहे हैं। बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ रहा है। जी तो दूसरी समस्या आप बताइए विस्तार से, मुझे बताइए कि कौन कौन सी समस्या है आपकी, जो समस्या है ये ठीक, ये जो हमारा JKUT7 है, एडमिनिस्ट्रेशन तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए हम लोग आए हुए हैं, आपकी टीम, हमारी टीम जो है पूरी यहाँ पे आई हुई है, तो समस्या बताइए और आगे के क्या क्या परेशानी है आपको। सर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, सर हमारी यहाँ पे ब्लॉक ऑफिस है, यहाँ पे एक ही PN होता है, जी जब भी जाते हैं हम तो एक ही PN बेचारा होता है वहाँ पे, जी और बड़े बड़े ऑफिसर कभी कभार महीने में एक बार या 2-3 महीने में एक बार कहीं दिखाई देता है, जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता है, जैसे 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है, तब जाके BDO साहब कहीं दिखते हैं। इसके अलावा कई जरूरतें पड़ती है लोगों को, कहीं कहीं कोई फाइल साइन करवानी है, कोई कुछ करवाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए हमें बिलावर जाना पड़ता है, जी लेकिन कोई बिल बनाना होता किसी काम का, वो भी हमें बिलावर जाना पड़ता है सर, तो हमारे दफ्तर में कोई ऑफिसर नहीं होता है सर। तो आपने उनको कहा नहीं कि आप दफ्तर में क्यों नहीं बैठते हैं, जो लोहाई की पंचायत है, मेंबर है, लोहाई का सरपंच है, क्या उसने आज तक नहीं कहा उनको कि आप दफ्तर में क्यों नहीं रहते हैं? सर मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कहा होगा, क्योंकि उनकी मिली भगत है, जी पंचायत की और ब्लॉक की मिली भगत है, जी इसलिए वो वहाँ पे नहीं बैठते हैं। जी ये तो पंचायत का फर्ज बनता है कि उनको वहाँ पे रिक्वेस्ट करना और वहाँ पे बिठाना और उनका ऑफिस में काम करवाना, लेकिन ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। जी सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे काम के बिल कुछ रुके हुए हैं, जी उनके पैसे हमें नहीं मिल रहे हैं, कई उनके 3 साल हो गए, कई उनके 4 साल हो गए, कई उनके 5 साल भी हो गए, लेकिन वो पैसा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था तो फिर काम क्यों दिया इनको, इनने हमारे हमारे पास काम क्यों करवाया, हमारा हमारे हमें काम में लगाया और बाद में पैसा नहीं दिया, बिल नहीं दिया, वो बिल आज तक क्यों नहीं बन रहे हैं, तो आप मुझे उसकी वजह क्या है? आप मुझे ये बताइए कि किसी काम का कोई आपको पता है कि कौन कौन से बिल रुके हुए हैं? बावलियों के बिल रुके हुए हैं, जी जिसमें कि मैं भी
ठेकेदार साहब, मैंने भी एक बोली बनवाई है लेकिन उसका अभी तक कोई आता पता नहीं है, ना हमें उसका कोई पैसा मिला है। तो वहाँ के जो आपके जो ग्राम सेवक हैं, कौन है वहाँ पे अधिकारी जिन्होंने आपको काम दिया था, जिन्होंने उस काम को करवाया, उसका नाम कोई अता पता आपको है, किसने वो काम करवाया है? सर उस दौरान के उस ग्राम सेवक का नाम मनीराम है, जी उसने वो बावली बनवाई थी, खाली सीमेंट दिया था, हमने बनवाई थी वो बावली, लोगों के खच्चर वालों के पैसे थे वो भी जेब से भरने पड़े और कुछ नहीं हमें मिला वहां से, अपने पैसे जेब से लगाए, लेकिन अभी तक वो बिल नहीं बन रहा है, मुझे समझ नहीं आती है कि वो उसके लिए जो सेंक्शन ग्रांट आई थी वो कहाँ गई। क्या जो आपके, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, क्या जो आपके वार्ड मेंबर हैं उसका आप नाम बताइए, क्या आपका जो सरपंच है उसका नाम बताइए, आप उनके पास गए, आपने कोई एप्लीकेशन दी कि हमारे जो बिल हैं वो नहीं मिले हमें, उनका नाम बताइए ना तफसील, जो आपके वार्ड के मेंबर है, कौन सा वार्ड है आपका? सर वार्ड नंबर 4। अच्छा सर मैं बहुत बार गया उनके पास, पंचायत के पास भी गया, ग्राम सेवक को भी पूछा, उसके बाद ग्राम सेवक मनीराम ट्रांसफर हो गया, दूसरा आया उसको भी पूछा अभी पैसा नहीं आया, फिर तीसरा आया उसको भी पूछा अभी पैसा ही नहीं है, फिर वीडियो साहब को रिक्वेस्ट की इसके बारे में कुछ सोचो, अभी पैसा ही नहीं है, जब पैसा नहीं था फिर काम क्यों करवाया हमसे। जी, क्या वो पैसे जो उन लोगों के हैं वो आपने अपने जेब से भरे हैं, या अभी वो बेचारे जो दिहाड़ीदार हैं वो लटक रहे हैं? दाड़ीदारों के बेचारों के दे दिए हैं, लेकिन जो खच्चर वाले हैं वो अभी भी लटक रहे हैं, वो मेरे मगर चढ़े हुए हैं, आज जो हमें पैसा चाहिए आप जहाँ से मर्जी लाओ, अब जी मैं भी गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से लाऊँ, कहाँ जी से दे दूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो लोहाई की पंचायत जो है, आपका यही आरोप है कि ये मिलीभगत है, ये काम नहीं करते हैं, चाहे वो पंच हो चाहे सरपंच हो, गरीब लोगों के जो बिल वगैरह हैं वो नहीं निकाले इन्होंने, ना उन आप लोगों तक वो पैसा पहुंचा। नहीं, नहीं निकाले सर, ना हम तक वो पैसा पहुंचा अभी तक, जी इसलिए हम बहुत परेशान हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि इस पर गौर किया जाए, नजरसानी की जाए कि क्यों नहीं हो रहा ये। जी तो और इसके अलावा कोई और आपको परेशानी? सर इसके अलावा हमें कोई परेशानी नहीं है, जी मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया, तो शुक्रिया। आप देखते रहिए JKUT7 मोहम्मद रफी के साथ, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइबर करें, देखते रहिए JKUT7, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, तहसीलदार साहब लोहाई मल्हार के उससे गुजारिश करता हूँ, और जो हमारे वीडियो साहब हैं और उससे भी गुजारिश करता हूँ कि इनके जो गरीब लोगों के बिल हैं वो जल्द से जल्द मिलें और अपने इलाके में जाएं। और लोगों का ये कहना है कि ना BDO साहब बैठते हैं ना CDPO साहब वहां पे आते हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और DC साहब से ये एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो DC साहब के जितने भी मुलाजम हैं वो अपने अपने दफ्तरों में उनको तैनात करें, क्या वो लोहाई मल्हार के अंदर रह रहे हैं और मल्हार लोहाई मल्हार के से तनख्वाह खा रहे हैं और पे ले रहे हैं और CO खा रहे हैं। तो यह है एडमिनिस्ट्रेशन का काम, वहां पे दफ्तरों को बिठाना। आप देखते रहिए JKUT7 मोहम्मद रफी के साथ, शुक्रिया, धन्यवाद।